नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। समाचार सार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 23 अगस्त शुक्रवार का दिन है और हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि है। आइए देखते हैं आज के समाचार पत्रों का क्या सार है। मित्रों, आज भी कोलकाता की महिला डॉक्टर की बलात्कार एवं हत्या की खबर समाचार पत्रों के पहले पन्ने में प्रकाशित हुई है, जिसके अंतर्गत इस कांड पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में स्पष्ट हो गया है कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले को छिपाने की कोशिश की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों, विशेषकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का जो गठन को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा देशव्यापी हड़ताल को समाप्त करने का समाचार लगभग सभी के पहले पन्ने में प्रकाशित हुई है। इधर न्याय के लिए जनता द्वारा मणिपुर, दिल्ली सहित महाराष्ट्र में हुई अबोध बालिकाओं पर अत्याचार के संदर्भ में विरोध प्रदर्शन की खबरें अब आम हो गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कानून और न्याय व्यवस्था समाज के विनाश के मुहाने पर खड़ी है, जो बेहद ही चिंताजनक संदर्भ है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार सिरदर्द बने आतंकी गतिविधियों का संदर्भ का चिंताजनक समाचार प्रकाशित हुआ है, जहां सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को रोकने में कामयाबी मिली है। इसके अलावा बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद वहां की जो अंतरिम सरकार है, उसने वहां आई बाढ़ के संदर्भ में भारत पर जो आरोप लगाए हैं, उसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इन सब चिंताओं के बाद भी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बीच तीसरे विश्व युद्ध की बढ़ती संभावनाओं को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों के संदर्भ का समाचार भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें जिसके लिए वो भी यूक्रेन, पोलैंड सहित कई देशों की यात्रा में है। जो भी हो, समाचार के मुखपृष्ठ से प्रतीत होता है कि देश विरोधी ताकतें किसी भी प्रकार से भारत में अराजक माहौल पैदा कर राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहती है, और यही आज का सार है। हमारे इस प्रस्तुति के संदर्भ में यदि आपको कोई सुझाव हो, कोई प्रतिक्रिया हो, तो आप हमें भेजिएगा, जरूर आपका स्वागत रहेगा। बाकी कल तक के लिए आपसे अनुमति। नमस्कार।